जो जानकारी आ रही है वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, क्योंकि उनकी लोकप्रियता राजस्थान के बजाय तुर्की के इस्तांबुल में बढ़ने लगे, तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी? वजह बताई जा रही है फेसबुक स्कैम। मुख्यमंत्री गहलोत का फेसबुक अकाउंट आजकल सबको हैरान कर रहा है। गहलोत के फेसबुक अकाउंट को जयपुर के बजाय दूर देश के शहर इस्तांबुल में सबसे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में 63,440 लोगों ने गहलोत के पेज को लाइक किया है। सोशल मीडिया पर चमकने की होड़ में कहीं इसमें कोई घोटाला तो नहीं? विपक्षी बीजेपी ने गहलोत सरकार पर कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए हैं। 1 जून तक गहलोत के पेज को 1,69,000 लाइक्स मिले थे, लेकिन 30 जून तक लाइक्स 2,14,000 हो गए। सवाल है, गहलोत के लाइक्स में अचानक इतना उछाल कैसे आया? बीजेपी का इल्जाम है कि गहलोत सरकार ने टेक कंपनी के साथ मिलकर अपने फेसबुक पेज के लिए लाइक्स खरीदे, और यही वजह है कि पहले गहलोत के पेज को जो सबसे ज्यादा लाइक्स जयपुर में मिले थे वो अब इस्तांबुल शहर से मिले। राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं सुनिए। ट्रेंड एनालिसिस दिया है, उस ट्रेंड एनालिसिस के चलते ज्वलंत प्रश्न ये है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के नेता है या इस्तांबुल तुर्की के नेता है? इस्तांबुल तुर्की में सबसे ज्यादा लाइक किए गए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अचानक लाइक्स की संख्या में इस प्रकार से बढ़ोतरी करके राजस्थान की जनता को भ्रम में डालने का जो एक एक प्रकार का अवर्णनीय उन्होंने काम किया है, उसके बारे में राजस्थान की जनता का ज्वलंत प्रश्न है कि जनता के पैसे का उपयोग करके फर्जी लाइक्स खरीद कर जनता के सामने ये एक दिखावटी दावा करके कि वे सबसे पॉपुलर हैं, क्या कहना चाहते हैं? नेताओं के लिए लड़ाई का नया क्षेत्र शुरू हो गया है, साइबर वार। गुजरात से निकल के अब राजस्थान पहुंच गया है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की करतूत है, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे की लोकप्रियता से घबरा कर अशोक गहलोत ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि इस्तांबुल में लोकप्रिय हो रहे हैं। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।